अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के इस अन्नकूट के महाकुंभ में पधारे सभी समाज के बंधुगण, भाइयों और बहनों, मैं आप सबको इस अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दिवाली के शुभ अवसर के बाद भगवान के भोग लगाकर हम वर्ष के शुभ दिनों की शुरुआत करते हैं। अन्नकूट हमारे आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के अंदर भगवान के भोग लगाकर अन्न के रूप में भगवान पर चढ़ाकर हमारा अन्नदाता और प्रगतिशील हो और समृद्ध बने, संपूर्ण समाज समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रगति करे और जो महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें संदेश दिया था, विचार दिया था, उस विचार उस संदेश को लेकर हम हमारे संस्कृति और संस्कारों को लेकर आगे बढ़े। महाराजा अग्रसेन जी उस काल के वो शासक थे जिन्होंने राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र और लोकशाही से शासन किया, जनता का शासन, जनता के सहयोग से शासन, सबकी समानता, सब धर्मों का आदर और जो भी अग्रवा राज्य में आता था उसको व्यापार उद्योग चलाने के लिए उस समय जो कुछ भी राज्य से बन सकता था, जनता के सहयोग से जो बन सकता था उस राज्य में व्यापार करे, उद्योग लगाए और एक समृद्धशील लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन चलाया। और आज भी हजारों वर्ष बाद भी उनके विचार आज ऐसे लगते हैं कि उस समय उन्होंने सोचा था कि दुनिया किस तरीके की होगी और दुनिया के अंदर सामूहिकता के साथ सब मिलकर सब सहयोग से उस कार्य संस्कृति को उस दिन उन्होंने दिया था। और उसी कार्य संस्कृति के कारण देश में चले जाए, विदेश में चले जाए, अग्रवाल समाज का व्यक्ति जहां भी रहेगा अग्रसेन भगवान जी के विचार, उनकी संस्कृति, उनके बताए गए मार्ग, सबका कल्याण। और आप देखते होंगे कि एक गांव के अंदर अगर एक परिवार भी है तो उसने जन सहयोग से धर्मशाला बनाई, उस समय विद्यालय निवा करते थे विद्यालय बनाए, लोगों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं होते अस्पताल बनाए, राहगीरों के लिए भोजनशाला बनाई। जो एक राजा के शासन के एक राजा कैसा होना चाहिए उस तरीके का विचार अग्रवाल समाज को दिया। आज वही कार्य संस्कृति है कि कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट आए, देश में आए, देश के बाहर आए, उस आपदा संकट के कारण हमारे पूर्वजों के संस्कार
और अग्रसेन महाराज के विचारों को लेकर आज भी हम सामूहिक संकल्प शक्ति के माध्यम से सामाजिक सेवा और सबके कल्याण का काम करते हैं। और इसीलिए अग्रवाल समाज का संपूर्ण समाज में सम्मान है। धन कमा अपने लिए नहीं, भगवान महावीर का विचार था कि अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज का है। अग्रसेन महाराज जी का विचार था कि कुछ कुछ इकट्ठा करो और समाज को समर्पण कर दो, ताकि समाज का हर व्यक्ति, उद्योग हो, व्यापार हो, दो टाइम का भोजन हो, और इसलिए एक शासन के रूप में वह कई बार वेश बदलकर अपने शासन में जाते थे। और उन्होंने देखा कि अपने राज्य में एक घर में चार लोगों का खाना था, लोग छह थे, तो उनको दिखा कि ये कैसे भोजन करेंगे। तो उन्होंने चार लोगों ने मिलकर दो दो कुछ कुछ निकालकर छह लोगों का भोजन कराया। वह कार्य संस्कृति आज भी अग्रवाल समाज में है कि कुछ न कुछ धन समाज के लिए। और आज देखे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर धर्मशाला होगी तो अग्रसेन भगवान के नाम से अग्रवाल समाज की होगी। सबसे ज्यादा निजी शिक्षा के विद्यालय होंगे तो वह अग्रसेन महाराज जी के विचारों से होंगे। अस्पताल, प्याव, हमारे पूर्वजों ने कितना पुण्य का काम किया, उन्होंने समाज से धन प्राप्त किया, लेकिन धन में भी उन्होंने रोजगार दिया। आज रोजगार का संकट है, और समय अग्रसेन महाराज जी ने कहा था कि रोजगार दुनिया का सबसे बड़ा संकट होगा, और इसीलिए उनके शासन में उन्होंने हर व्यापारी को कुछ न कुछ सब मिलाकर कंट्रीब्यूशन देकर करे। ऐसे ही हमें कार्य संस्कृति पैदा करनी है कि समाज में जितने भी अभाव, वंचित, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आज कितने परिवारों को अग्रवाल समाज के लोग कुछ न कुछ व्यापार के अंदर, उद्योग के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, जहां भी अपना कार्य व्यवसाय करते हैं, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। इसलिए हमें अग्रसेन महाराज जी के विचारों को जन जन का विचार बनाना चाहिए, आम विचार बनाना चाहिए। और उस समय लोकतंत्र की जो उन्होंने कल्पना की थी, लोकतंत्र मतलब चर्चा संवाद बातचीत, चर्चा संवाद बातचीत के बाद जो निर्णय निकले, उस निर्णय के अमृत से सबका कल्याण। और यह अन्नकूट भी इसी तरीके का एक सामूहिक प्रयास है। सबने अपना कुछ न कुछ सहयोग देकर आज ये महाकुंभ, ये अन्नकूट का आयोजन किया है, और उसमें से जो कुछ बचेगा वह समाज के गरीब वंचित लोगों के जीवन को बदलने के लिए लगाएं। और इसीलिए कोरोना के समय इसी कार्य संस्कृति के कारण इस संपूर्ण देश के अंदर जिससे जो बन सका उसने सेवा का काम किया, सामूहिकता से काम किया। मुझे आशा है अग्रसेन जी महाराज के विचारों पर चलकर यह समाज और हमारे पूर्वजों की कार्य संस्कृति और उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हमारे आने वाली पीढ़ी भी अग्रसेन महाराज जी के विचारों को पढ़े, आत्मसात करे और अपने जीवन में उनको विचारों पर चले, यही इस अन्नकूट का महोत्सव की विचार है। मुझे आप सब, इतनी बड़ी संख्या में आप सबसे मिलना हुआ, आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझ पर हमेशा रहता है। आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, जो कुछ भी बनाया आपके में सहयोग किया। मेरी कोशिश रहती है कि जो विश्वास भरोसा आपने किया
उस विश्वास भरोसे को कायम रखूं और आपका सम्मान देश में बना रहे, इसके लिए आपकी ऊर्जा और शक्ति से काम करता रहूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।